हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द टॉपिक इज जॉइंस। जॉइंस जो है डीबीएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जॉइंस जो है वो रिलेशनल एलजेब्रा में भी कवर होता है और सीक्वल में भी कवर होता है। मींस रिलेशनल एलजेब्रा जो है वो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मतलब जो सीक्वल जो हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। लेकिन रिलेशनल एलजेब्रा में जॉइंस का अपना सिंटेक्स है और सीक्वल में अलग सिंटेक्स है। ऑब्वियसली बिकॉज सीक्वल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है। मतलब हम एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेशनल एलजेब्रा, जहाँ पे हम जॉइंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम सीक्वल में आते हैं तो हम उन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम एसक्यूएल की कमांड्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, जॉइंस जो है, चाहे रिलेशनल एलजेब्रा की बात करूं या सीक्वल की बात करूं, जॉइंस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बट उसको लिखने का तरीका जो है, सिंटेक्स वो डिफरेंट है। रिलेशनल एलजेब्रा में अलग सिंटेक्स है, सीक्वल में अलग सिंटेक्स है। तो यहां पे अगर सबसे पहले हम बात करें जॉइंस, जॉइंस होते क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि जब भी हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके कोई रिजल्ट फाइंड करना है, मतलब कि ऐसा रिजल्ट फाइंड करना है जो मुझे एक टेबल से नहीं मिल रहा, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है यहाँ पे। लेट्स से कि एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में तीन एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम एंड एड्रेस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एम्प्लॉय टेबल से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एम्प्लॉय की डिटेल। मतलब अगर मुझे फाइंड करना है कि एम्प्लॉय की आईडी बताओ जिसका नेम वरुण है, या एम्प्लॉय का नेम बताओ जिसकी आईडी ये है, या एम्प्लॉय का एड्रेस बताओ, मतलब इस टेबल से अगर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल। लेट्स से कि अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एम्प्लॉय का एड्रेस पता करना है जिसका नेम है वरुण। लेट्स से कि एम्प्लॉय का एड्रेस पता करना है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज वरुण। तो इसके लिए मुझे सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की हेल्प चाहिए, मतलब मैं सिर्फ एम्प्लॉय टेबल से ही इसका डेटा फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कैसे क्वेरी लिखते हैं हम, सिंपल वे है क्वेरी लिखने का, सेलेक्ट क्या फाइंड करना है, एड्रेस, बिकॉज फाइनली मुझे एड्रेस को प्रिंट कराना है। फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय, और किसी टेबल की मेरे को जरूरत ही नहीं है। सो सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन मुझे सारे एड्रेस नहीं चेक करने, सिर्फ उसी का एड्रेस चेक करना है जिसका नेम जो है वो वरुण है। तो मैं यहां पे वेयर कंडीशन लगा के, वेयर नेम, नेम इज ई नेम, ई नेम इज इक्वल टू वरुण। सो जहां पे ई नेम इज इक्वल टू वरुण है, उसका एड्रेस फाइनल में प्रिंट होके आ जाए, तो फाइनल में आउटपुट क्या आ जाएगी, सी एच डी, दैट इज चंडीगढ़। तो ये मेरे पास आउटपुट जो है वो फाइनल में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट टेबल की, तो डिपार्टमेंट टेबल मेरे को क्या बता रहा है, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर मैंने यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये भी पता कराना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एम्प्लॉय नंबर को यहां पे कॉमन रख दिया। एम्प्लॉय नंबर इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है। इस टेबल में ये एक्ट करेगा एज ए फॉरेन की, ये एक्ट करेगा एज ए फॉरेन की, और कहां से रेफरेंस लेगा, प्राइमरी की से। मतलब एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, और ये यहां से रेफरेंस लेगा। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, ये जो है ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, क्योंकि ज्वाइन जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जहां पे आपको बेसिक सीक्वल के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेन की, प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आप मेरी वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हो, फॉरेन की के बारे में भी है, प्राइमरी कीज और कीज के कॉन्सेप्ट के बारे में भी है, और उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये मैं बेसिक एजम्पशन करके चल रहा हूं कि आपको पता है इस चीज के बारे में। तो यहां पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट टेबल की, तो डिपार्टमेंट टेबल से मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, क्या चीज मिल रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट की डिटेल, मींस कौन सा एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उस डिपार्टमेंट का नेम क्या है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे डिपार्टमेंट का नेम फाइंड करना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर है D3,
तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? सेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D3। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए तो आप इस टेबल से फाइंड आउट कर लो, डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए तो आप इस टेबल से फाइंड आउट कर लो। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्वाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अब मैं क्वेश्चन यहां पे चेंज करूं, लेट्स से द क्वेश्चन इज, मैं सिर्फ यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर जो है वो जब हम ज्वाइंस के बारे में बात करेंगे तब आपको जो है वहां पे क्लियर होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर मैं फाइंड एम्प्लॉय नेम या डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज वर्किंग इन HR, यहां पे अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बिकॉज जब हमें पता होगा कि किस सिनेरियो में मुझे ज्वाइंस को यूज करना है तभी हम उसको बेस्ट वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेस्ट वे से हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। अगर मुझे पहले यही पता नहीं है कि ज्वाइंस यूज कहां पे होते हैं, किस सिनेरियो में यूज होते हैं, तो ज्वाइंस को क्रैम करने का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप एक एक करके ज्वाइंस को फॉलो करते रहो, एक एक करके मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहो, आपको इजीली पता लग जाएगा कि ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये आपके UGC नेट में भी, गेट के एग्जाम में भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी, प्लस इंटरव्यूज में स्पेशली। अगर कोई कंपनी आज के टाइम पे DBMS में से कोई क्वेश्चन पूछ रही है SQL में, तो वो डेफिनेटली ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर आएगी। तो यहां पे क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय का नेम फाइंड करो जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हु इज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, अब पहले तो आप ध्यान से देखो कि HR डिपार्टमेंट किस टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल में, और एम्प्लॉय का नेम किस टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में। तो यानी मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एम्प्लॉय टेबल की भी हेल्प चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल की भी हेल्प चाहिए। जहां पे भी आपको दो या दो से ज्यादा टेबल्स की हेल्प चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइंस। मतलब यहां पे आप ज्वाइन की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल्दो हम सब क्वेरीज को भी यूज कर सकते हैं, सब क्वेरीज और ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन उनका जो वे है यूज करने का वो सेम ही है, बिकॉज हम दोनों में ही ज्वाइंस और सब क्वेरी दोनों जो है वो सेम ही आंसर देंगी, लेकिन सब क्वेरीज जो है वो थोड़ा लिखने में कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ज्वाइंस जो है वो इजी है लिखना, ज्वाइंस की जो क्वेरीज हैं उनको बहुत ही इजी है लिखना। तो इसीलिए मैं पहले ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे सब क्वेरीज के बारे में नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप ज्वाइंस से इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन जो है, अब उससे पहले आपको जो बेसिक जो ज्वाइंस आप किस सिनेरियो में यूज करते हो, एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट दो टेबल्स जो है यहाँ पे, ज्वाइंस तभी लग सकता है अगर दोनों टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ये एजम्पशन जो है हमेशा याद रखना, देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों टेबल्स के बीच में जिनमें भी आप ज्वाइन कर रहे हो। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों टेबल्स में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, यस एम्प्लॉई नंबर। अगर इस टेबल में एम्प्लॉई नंबर ना हो तो आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, करने का कोई बेनिफिट ही नहीं बनता। जब तक दो टेबल्स में कुछ कॉमन ही ना हो तो मैं उनको ज्वाइन करूंगा ही क्यों, मैं क्यों उनको ज्वाइन करूंगा। तो इसीलिए पहले तो नीड जो है वो ये है कि दोनों टेबल के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जो है वो एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट कॉमन होना ही चाहिए। और दूसरा, ज्वाइन की जो है आप हमेशा याद रखना, ज्वाइन होता क्या है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, या हम उसको बोल सकते हैं प्लस सेलेक्ट स्टेटमेंट, या जिसको हम कंडीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज सेलेक्ट से हम कंडीशन जो है वो लिखते हैं। तो ज्वाइन जो है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सेलेक्शन। क्रॉस ज्वाइंस के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, एक वीडियो मेरी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी है, लेकिन जब हम ज्वाइंस को स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें भी एक बार दोबारा आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मेरे को सिर्फ यही बताना था ज्वाइंस होते क्या है,
किस सिनेरियो में हम जॉइंस को यूज करते हैं और जॉइंस के टाइप्स. तो जॉइंस के टाइप्स जो है वो मैंने बेसिक जो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं क्रॉस जॉइन, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं एक्चुअल में. ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है नेचुरल जॉइन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेचुरल जॉइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंडीशनल जॉइन है, इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आउटर जॉइन. आउटर जॉइन में भी आगे तीन है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइन. तो ये जो है बेसिक वीडियो है कि जॉइंस हम यूज क्यों करते हैं, कहां पे यूज होते हैं और उनके टाइप्स क्या है. अब एक एक करके हम जॉइंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.